हे गाइस, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके घर परिवार में सब कुछ कुशल मंगल होगा। तो गाइस, मैं भी महादेव मंदिर, आप मेरे जस्ट पीछे देख रहे होंगे मंदिर, मैं मंदिर से होकर के आ चुका हूँ, अब जा रहा हूँ मैं घर पर। और आज का प्रोग्राम कुछ इस प्रकार से रहने वाला है कि आज मेरे को दोपहर को कहीं जाना है, उसके बाद में मैं, हो सकता है कि मुजफ्फरनगर मेरे को जाना पड़े, और उसके बाद में दुकान पर तो बैठना ही है ना, और उसके बाद में जाएंगे शाम को जिम, और उसके बाद में जो भी प्रोग्राम होगा आपको साथ में लेकर के चलते रहेंगे। तो अब चलते हैं वापस से घर पर, और लेकिन घर जाने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एक नज़ारा यहाँ से महादेव मंदिर का। और ये देखिए, तालाब तो सूखा पड़ा है, लेकिन मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊँ तो ये आप देख रहे हैं भोलेनाथ जी, और ये उनका मंदिर, और यहाँ पर इस प्रकार से पूरा ये बना। तो गाइस, मैं बैठा हुआ था दुकान पे, काफ़ी देर मेरे को हो चुकी थी और लंच भी मेरा हो चुका है। सो अब 3:30 बजे का टाइम हो रहा है, मौसम काफ़ी प्यारा हो रहा है, टेम्परेचर हो रहा है अराउंड 17 डिग्री, जो बड़ा मीठा टेम्परेचर होता है ना, बड़ा प्यारा टेम्परेचर होता है, उतना टेम्परेचर हो रहा है 17 डिग्री के आसपास फिलहाल जानसेट का, वो हो रहा है क्यों, क्योंकि कल था 24 दिन में, कल हो रहे थे पसीने आ रहे थे हम सबको, क्यों, क्योंकि हो रही थी काफ़ी गर्मी, और आज का टेम्परेचर हो रहा है इतना प्यारा, उसकी वजह है हमारे यहाँ पे पड़ रही है बारिश, वो भी हल्की हल्की मध्यम मध्यम बारिश पड़ रही है, जो मैं आपको दिखा दूँ कि कितना प्यारी बड़ी आराम से ना बारिश पड़ रही है, काफ़ी वो कहते हैं ना ड्रिजलिंग हो रही है, तो ड्रिजलिंग हो रही है क्योंकि काफ़ी हल्की बारिश हो रही है, उस वजह से ना मौसम का भी प्यार हो रहा है। छत भी पूरी, छत कह रहा हूँ सॉरी, रोड भी काफ़ी पूरी गीली नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी मौसम में काफ़ी तापमान की गिरावट हमारे यहाँ पे नापी गई है, और उसकी वजह से टेम्परेचर बहुत प्यारा, बहुत सुहाना मौसम हो रहा है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, देखो ये देखिए छतें, ये देखिए सड़कें भी ज़्यादा गीली नहीं हुई, लेकिन मौसम काफ़ी प्यारा हो रहा है, सुहाना मौसम हो रहा है, पकौड़े और चाय वाला मौसम हो रहा है, कि चाय के साथ में पकौड़े हो जाए ना, वो कहते हैं ना चाय के साथ में पकौड़े मिल जाए इस मौसम में तो क्या ही बात है, तो वही वाला मौसम हो रहा है, गजब मौसम हो रहा है। तो गाइस, ये समय हो गया है, तो गाइस ये समय हो गया, दिन छिप चुका है, लेकिन बारिश जो है वो कंटिन्यू तब से बरस रही है, लेकिन हो यहाँ पर ड्रिजलिंग रही है, काफ़ी कम बारिश हो रही है, लेकिन अब मैं भी मार्केट गया था तो मैं खुद ही थोड़ा भीग गया, मार्केट भी आज सारी जल्दी बंद हो गई है, तो मैं भी अब शटर डालता हूँ और फिर आप लोगों के साथ में जल्दी से मिलता हूँ, क्योंकि जाना है मेरे को जिम, और अराउंड टाइम हो रहा है 7:15 के अराउंड, और जल्दी से 10-15 मिनट्स का वो करने के बाद में जल्दी से मैं जाऊंगा जिम, क्योंकि समय आज कम है और आज थोड़ा मौसम भी ज़्यादा अच्छा सा हो रहा है, तो मन नहीं कर रहा एक बार को तो जाऊँ, एक बार को मेरा जिम जाने का, लेकिन जाएंगे ज़रूर, क्योंकि यार देख रहे हो ना पेट, इसको कम करने के लिए। तो भाई जिम तो मेरा जाना हो नहीं पाया क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो गई थी, और अभी भी काफ़ी तेज़ बारिश पड़ रही है, अराउंड टाइम हो रहा है अब 9:30 के अराउंड, लेकिन इस टाइम यहाँ पर इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि लाइट भी चली गई है, इन्वर्टर चल रहा है, उस वजह से आप लोगों को बारिश की आवाज़ तो आ ही रही होगी, काफ़ी तेज़ बारिश पड़ रही है, मैं आपको बाहर जाके दिखाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बाहर हो रहा है अंधेरा, तो उस वजह से क्या पता पूरा दिख पाए, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखाता हूँ कि बारिश काफ़ी अच्छी हो रही है, और मौसम में काफ़ी टेम्परेचर की गिरावट हो गई है, उस वजह से ये आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे, ऊपर ना टीन डाली हुई है ना, उस वजह से जाल के ऊपर तो उसकी बारिश की आवाज़ आ रही है। देखो अब मैं दिखाता हूँ आपको बाहर जा कर के बाहर किस तरह से हो रहा है ना, वो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये देखिए, वैसे तो अंधेरा हो रहा है ना काफ़ी, तो उस वजह से आपको थोड़ा दिख नहीं पा रहा होगा, लेकिन बारिश ठीक ठाक हो रही है, अच्छी खासी बारिश हो रही है यहाँ पर। और साथ में ही यार मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि यार आज मन तो वो होता है, क्योंकि ये थोड़ा फैट बढ़ता जा रहा है ना बॉडी पे, तो उस वजह से ना पेट बढ़ता जा रहा है, तो उस वजह से मेरे को लग रहा था कि यार थोड़ा जिम जाना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए, लास्ट वीक मैंने यही सोच के मैंने जिम ज्वाइन किया था कि यार इस बार तो मैं कंटिन्यू करूँगा, लेकिन आज
वो रहेगा ना कुदरत की वजह से ही रह गया। मेरा अंदर से मन था जाने का थोड़ा, इसलिए मैंने ना घर पे थोड़े पुशअप्स लगा ली थी है ना, क्योंकि थोड़ा सा फिजिकल एक्टिव रहना चाहिए। सो मैंने ना थोड़ी सी पुशअप्स लगाई हैं, 2-3 सेटअप्स लगाए हैं और उसके बाद मैं अब आप लोगों से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सोचा यार अब जा नहीं रहा हूँ तो आप लोगों से ही बात कर ली जाए और आप लोगों को ही बता दिया जाए कि यार आज ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई कि बारिश की वजह से सारा प्लान चौपट हो गया और मेरे को 2-3 भाइयों से ही मिलना था तो वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है और एक भाई तो पूरा घर जाते जाते भीग गया, जिसमें गौरव भाई और जो रजत गुप्ता जी हमारे वो कहीं बाहर गए हुए थे दोनों भाई, तो दोनों भाई अपने घर जाते जाते भीग गए रास्ते में। तो भी कह रहे थे कि यार अभी भीग गए तो आज तो मिलना हो ही पाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई। सो यार अब इस वीडियो करते ही पेंट, क्योंकि बस इतनी सी छोटा ही व्लॉग बन पाया आज का, उसके लिए आई एम टू सॉरी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आई होप आप सभी लोगों को मेरा शॉर्ट एंड सिंपल व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आप लोगों को मेरी वीडियोस के फर्दर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिएगा। नमस्कार, गुड बाय।